इलाज के नाम पर कई युवतियों के यौन उत्पीड़न के मामले में अमेरिका में जिम्नास्टिक से जुड़े पूर्व डॉक्टर लैरी नासर को 40 सेकंड 175 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इस तरह डॉक्टर लैरी नासर को अपना पूरा जीवन जेल की सलाखों के पीछे ही गुजारना होगा। उस पर 150 सेकंड अधिक लड़कियों के यौन शोषण का आरोप है। डॉक्टर लैरी नासर की शिकार बनी 150 सेकंड अधिक युवतियों की गवाही के बाद जज रोजमेरी एक्विलिन ने मिशिगन की एक अदालत में कहा, मैंने अभी आपके डेथ वारंट पर हस्ताक्षर किया है। आप फिर कभी जेल से बाहर निकलने के हकदार नहीं हैं। आप उतने खतरनाक हैं, जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता है। जानकारी के मुताबिक जिम्नास्टिक से जुड़े डॉक्टर लैरी नासर पर शुरुआत में 7 महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। इसके बाद जैसे जैसे मामला तूल पकड़ता गया, लैरी पर करीब 156 महिलाओं ने आरोप लगाए। कोर्ट में इस मामले की कार्यवाही करीब 7 दिनों तक लगातार चली। कोर्ट में जज के सामने पीड़िताओं ने बताया कि डॉक्टर लैरी नासर इलाज के नाम पर उनका यौन शोषण किया करते थे। वह अपनी गंदी हरकतों को इलाज का नाम देते थे, इसलिए शुरुआत में कुछ महिलाओं ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन लगातार शिकार हो रही महिलाओं के बीच ये बात आग की तरह फैल गई। ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता जिम्नास्ट एली रेसमन ने कहा, तुम इतने घटिया हो, मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ इतना गुस्सा आता है कि मैं खुद समझ नहीं पाती हूँ। अब तुम्हें महसूस होगा कि तुमने जिन लोगों का उत्पीड़न किया आज वह ताकत बन चुकी हैं। तुम कुछ भी नहीं हो। सजा सुनने के बाद डॉक्टर लैरी नासर ने कहा कि पिछले 7 दिनों से वह महिलाओं का बयान सुनकर अंदर तक दहल गए हैं। इस बात ने उनके दिल को झकझोर दिया है। वह अपने क्लाइंट का अच्छे से इलाज किया करते थे, यही वजह है कि वे बार बार उनके पास आते थे, लेकिन मीडिया ने मामले को अलग रंग दे दिया। करीब 156 पीड़ित महिलाओं के बयान दर्ज किए गए। आखिरी बयान देने वाली पीड़िता रेचल डेन हॉलैंड थी। उन्होंने सबसे पहले सार्वजनिक रूप से नैसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 15 साल की उम्र में लैरी ने रेचल को का यौन शोषण किया गया था।